नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम जानेंगे बढ़ते कोरोना वायरस के कारण मई में लगेगा लॉकडाउन वाले वायरल मैसेज की सच्चाई के बारे में। एक बार फिर से पूरी दुनिया समेत भारत में भी कोरोना संक्रमण तेजी से अपने पांव पसार रहा है। कोरोना के मामले में अचानक यू उछाल होने के कारण सबकी चिंता फिर से बढ़ती ही जा रही है। भला ये कोरोना के मामले में परेशान होना तो लाजमी ही है, क्योंकि इससे पहले भी जब कोरोना का खतरा हमारे देश पर मंडराया था तो भारत सरकार द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिए गए थे। हर जगह भयावह स्थिति देखने को भी मिल रही थी, लेकिन सबसे बुरा हाल तो उन मजदूर वर्ग के लोगों का था जो अपने घर परिवार से दूर किसी दूसरे प्रदेश में काम की तलाश में गए थे। लॉकडाउन जैसी स्थिति में जब पूरा देश रुका था, आने जाने के कोई साधन मौजूद नहीं थे, तब यही लोग थे जो एक राज्य से दूसरे राज्य तक पैदल ही चलकर अपने घर तक जैसे तैसे पहुंच रहे थे। खैर, उस वक्त को यदि कोई याद भी करे तो सहम सा जाए। लॉकडाउन के कारण पूरे देश की रुकी अर्थव्यवस्था का असर आज भी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन यदि क्या हो कि ये खबर हमें फिर से सुनने को मिले कि कोरोना की बढ़ती स्थिति को देखकर एक बार फिर से देश में भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया जा सकता है। दरअसल इन दिनों डेली ट्रेंडिंग न्यूज नाम के किसी यूट्यूब चैनल पर कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण केंद्र सरकार एक बार फिर से मई के महीने में पूरे देश में लॉकडाउन लगा सकती है। इस वीडियो के थंबनेल पर भी यह लिखा गया था कि भारत में काबू से बाहर हुआ कोरोना। इस तरह के सनसनीखेज वाले हेडलाइंस देखकर हर कोई यूट्यूब पर अपने व्यूज बढ़ाना चाहता है। दरअसल इस यूट्यूब चैनल पर ऐसा कहा जा रहा है कि मई के महीने में रोजाना 15,000 नए मरीजों की पुष्टि की जाएगी। साथ ही साथ इस चैनल पर IIT के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल के स्टडी का हवाला देते हुए बताया गया है कि कोरोना का कोहराम बढ़ता ही जा रहा है और आने वाले दिनों में हर रोज 50,000 से 60,000 कोरोना के केस आ सकते हैं। वहां प्रोफेसर अग्रवाल के बारे में यह भी बताया गया है कि वे पिछले 3 सालों से स्टडी के आधार पर कोरोना की भविष्यवाणी करते आ रहे हैं और वो अभी तक सच साबित हुई है। पर हम आपको बता दें कि ये बात तो सच है कि इन दिनों लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन ये संक्रमण अभी इतना खतरनाक भी नहीं हुआ कि जानलेवा साबित हो सके और लॉकडाउन की नौबत आए। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में कुल 7,633 कोरोना के नए मामले मिल चुके हैं, लेकिन इस संक्रमण से स्वस्थ होने के वर्तमान दर 98.68% है, इसलिए डरने वाली कोई भी बात नहीं है। और जहां तक की बढ़ते केस के कारण मई में लॉकडाउन लगाने की संभावना इस यूट्यूब चैनल पर जताई जा रही है, तो हम आपको बता दें कि आने वाले मई के महीने में ऐसी कोई भी लॉकडाउन की स्थिति नहीं बनने वाली है, ना ही केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी संभावना व्यक्त की गई है। जब इस वीडियो की पड़ताल करनी हमने शुरू की तो यह खबर हमें PIB फैक्ट चेक के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भी देखने को मिली। वहां भी इस खबर को फर्जी बताया गया। साथ ही साथ इस बात की सलाह भी दी गई कि ऐसी खबरों को आगे साझा करने से बचे, क्योंकि पिछले कोरोना के समय में जब लॉकडाउन लगा था तो यह लगभग अधिकतर लोगों के लिए बुरा दौर रहा, इसलिए सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे इस तरह के वीडियो जहां मई के महीने में लॉकडाउन लग सकता है जैसी बात बताई जा रही है, तो यह लोगों के बीच भयावह स्थिति बना सकते हैं। हम आपको हमेशा बताते हैं कि इस तरह के किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक करना ना भूलें। वहीं सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि इस चैनल को लगभग 2.63 मिलियन लोग भी फॉलो कर रहे हैं। साथ ही साथ मात्र 2 दिन पहले ही पोस्ट हुए इस वीडियो को अब तक शायद 30,000 से भी अधिक व्यूज मिल चुके हैं। जब हजारों लाखों लोग इस तरह के चैनल पर विश्वास कर रहे हैं, उन्हें सब्सक्राइब करते हैं ताकि देश दुनिया में चल रही खबरों को जान सके, और वहां उन्हें इस तरह के खबर दिए जाते हैं तो अधिक से अधिक लोगों तक भ्रामक खबरें फैलती हैं। लेकिन भले ही संक्रमण से ठीक होने के वर्तमान दर अभी ज्यादा हो, लेकिन ध्यान रखें कि कोरोना के मामले प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए अधिक भीड़ वाली जगहों पर जाना, बिना मास्क लगा के घूमना जैसी लापरवाही करने से बचे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।